अब जिन जहाँ तक स्प्रिंग वेदर की बात है, स्प्रिंग वेदर इज़ नोन फॉर एरेटिक बिहेवियर। अब जैसे मार्क टेवेन बताते हैं कि मैंने अपने अंदर स्प्रिंग के मार्च के महीने में 136 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेदर 24 आवर्स में देखा। आई सॉ 136 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेदर इन 24 आवर्स, मार्क टेवेन बताते हैं। तो कहने का मतलब है मार्च अप्रैल की स्प्रिंग के महीने में वेदर एरेटिक बिहेव करते हैं। एज फार एज जम्मू कश्मीर कंसर्न, जम्मू कश्मीर में खास करके कश्मीर मार्च के महीने में अच्छी बारिश हुआ। एज फार एज दिस स्पेल इज कंसर्न जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, तो इसका पैशन भी पहले से ही था, 10 से लेके 11, 12, 15 तक मौसम खराब होने का, जिसे देख के कल से ही ये बारिश हुआ है। अभी भी देखिए यहाँ पे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पूरा क्लाउड जो है, क्लाउड मास यहाँ के जम्मू कश्मीर की तरफ आ रहा है और बिल्डअप हो रहा है। तो अदर देन दिस ऑल्सो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं इस इमेजरी के हिसाब से। देन आप देखिए यहाँ पे पूरा कन्वेक्टिव क्लाउड जो है नॉर्थ वेस्ट, यू नो, खास करके साउथ वेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में पूरा बिल्डअप हो रहा है। तो अभी ये अभी करंट जो है वेदर इन्फॉर्मेशन है, तो ये आज दिन भर बारिश रहेगा, कल थोड़ा ठीक रहेगा, कल भी थोड़ा बीच बीच में बारिश हो सकता है, बाकी और कल को कल भी वैसे कल धूप निकलने का संभावना है, लेकिन फिर भी थोड़ा बारिश बीच बीच में रहेगा। 13 तारीख को ठीक है, दिन 14-15 को फिर बारिश है, फिर 16 से यू कैन एक्सपेक्ट 16 से 20 तारीख तक अमूमन मौसम ठीक ही रहने का इम्कान है। तो मेरा मैसेज ये है कि इस बार जो बारिश हुआ है कश्मीर में, वाइड स्प्रेड बारिश हुआ है, जम्मू में नहीं हुआ है बारिश, लद्दाख के खास करके कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, जोजिला सोनमर्ग दरास सेक्टर में हल्की बारिश हुआ, बर्फ़ हुआ है और भी बर्फ़ चल रहा है, तो ये ऐसे रहेगा। तो 15 के बाद फिर 16 से मौसम ठीक रहने का इम्कान है। 16 से लेकर 20 तारीख तक लोगों को, खास करके जो ऑर्चर्ड्स वगैरह स्प्रे करते हैं उनको एक गैप है, तो मैं उनको मैसेज ये है कि आप जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करना है 16 से करें, 16, 17, 18 आपके पास टाइम है, फिर 19-20 को हो भी सकते हैं बारिश, पता नहीं, लेकिन 16 से आप शुरू कर सकते हैं। भगवान नंबर टू, जहाँ पर नेशनल हाईवे से जब भी बारिश होते हैं तो भूस्खलन लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद होते हैं, तो इसकी वजह से रास्ता बंद भी रह सकते हैं, खास करके रामबन बनिहाल और जोजिला एरिया में तो बर्फ़ का पॉसिबिलिटी से अभी भी बर्फ़ हो रहा है, तो वहाँ पे भी अभी देखो फिलहाल रोड वगैरह जो भी जाना हो तो कंसर्न ट्रैफिक दफ्तर ट्रैफिक डिपार्टमेंट महकमा से रफ्तार करके ही चले। अदरवाइज आल्सो क्योंकि बारिश काफ़ी हुआ है, जो भी अपर एरियाज में जो लैंड स्लाइड प्रोन एरिया में रहते हैं लोग, तो उसमें थोड़ा एहतियात बढ़ने की ज़रूरत है। बाकी मौसम स्प्रिंग का मौसम तो वैसे भी एक तो इराटिक बिहेव तो करते हैं, बट देन स्प्रिंग वेदर इज़ आल्सो नोन फॉर पार्टी टाइम आल्सो, क्योंकि अच्छा कभी गर्म रहता है तो कभी बारिश आते हैं, कभी अभी बिल्कुल अभी देखो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या जो भी हमारे फ्रूट से प्लांट से ये जो क्या बोलते हैं ये ऑर्चर्ड्स जो है वो ब्लूम करते हैं, फ्लावर्स वगैरह आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये वो हो जाएंगे जी।